दंतेवाड़ा सुकमा सीमा क्षेत्र के तुकमा पाल और डब्बा कुन्ना गांव के बीच जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण गोलीबारी में 3 नक्सली मारे गए। तीनों नक्सलियों के शव बरामद कर हथियार, गोला बारूद और नक्सल संबंधी सामग्री को भी बरामद किया गया है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि हमें दंतेवाड़ा सुकमा सीमा क्षेत्र के तुमकपाल और डब्बा कुन्ना गांव में नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी। सूचना पर सुरक्षा बलों को मौके पर रवाना किया गया, जहां नक्सलियों ने गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। आज 24 दिसंबर 2023 को थाना कटे कल्याण अंतर्गत तुमकपाल से डब्बाकुन्ना की जंगल पहाड़ी जो कि जिला दंतेवाड़ा सुकमा का बॉर्डर है, वहाँ पर हुआ नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना थी, जिस पर से दंतेवाड़ा जिले के DRG बस्टर फाइटर की टीम रवाना की गई और मौके पर उनकी घेराबंदी की गई। नक्सलियों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दंतेवाड़ा पुलिस को 3 नक्सली वर्दीधारी पुरुष नक्सली का शव बरामद किया गया और भारी मात्रा में गोला बारूद, नक्सल सामग्री एवं हथियार बरामद किया गया है। इस समय भी जिला दंतेवाड़ा सुकमा के DRG बस्तर फाइटर की टीम एवं CRPF CF की टीम द्वारा सर्च अभियान शुरू है और आगे की जानकारी पुलिस तक से दी जाएगी।